अब ये टनल आम लोगों की आवाजाही के लिए खुल जाएगी। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी मौजूद रहे। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने हिमाचल में बिताए दिनों को याद किया। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के साथ मोदी अक्सर यहां आया करते थे। मोदी ने कहा कि आज सिर्फ अटल जी का सपना ही नहीं पूरा हुआ है, आज हिमाचल प्रदेश के करोड़ों लोगों का भी दशकों पुराना इंतजार खत्म हुआ है। इस पूरे क्षेत्र में पर्यटन को लेकर अपार संभावना है। यहाँ प्रकृति की भी असीम कृपा है और अध्यात्म से आस्था से जुड़े पर्यटन के लिए अद्भुत संभावनाएं हैं। पर्यटकों के लिए अब ना चंद्रताल दूर है और ना ही स्पीति घाटी तक पहुंचना मुश्किल है। यह त्रिलोकीनाथ देव दर्शन और बौद्ध दर्शन के संगम के रूप में लाहौल स्पीति को अब नया आयाम मिलने वाला है। बल्कि ये तो वो रूट है जहां से बौद्ध मत का तिब्बत तक और दूसरे देशों तक प्रचार प्रसार बढ़ा और विस्तार हुआ है। स्पीति घाटी में स्थित देश में बौद्ध शिक्षा के एक अहम केंद्र ताबो मठ तक दुनिया की पहुंच और सुगम होने वाली है। यानी एक प्रकार से ये पूरा इलाका पूर्वी एशिया समेत विश्व के अनेक देशों के बौद्ध अनुयायियों के लिए भी एक बड़ा सेंटर बनने वाला है। मोदी ने कहा कि पिछली सरकार की उपेक्षा के बावजूद उनकी सरकार ने तेजी दिखाई और सिर्फ 6 साल में हमने 26 साल का काम पूरा कर लिया। साल 2002 में अटल जी ने इस टनल के लिए अप्रोच रोड का शिलान्यास किया था। अटल जी की सरकार जाने के बाद जैसे इस काम को भी भुला दिया गया। हालत ये थी कि साल 2013-14 तक टनल के लिए सिर्फ 1300 मीटर यानी 1.5 किलोमीटर से भी कम काम हो पाया था। एक्सपर्ट बताते हैं कि जिस रफ्तार से अटल टनल का काम उस समय हो रहा था, अगर उसी रफ्तार से काम चला होता तो ये सुरंग साल 2040 में जाकर के शायद पूरी होती। आप कल्पना करिए, आपकी आज जो उम्र है उसमें 20 वर्ष और जोड़ लीजिए, तब जाकर लोगों के जीवन में ये दिवस आता, उनका सपना पूरा होता। जब विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ना हो, जब देश के लोगों के विकास की प्रबल इच्छा हो, तो रफ्तार बढ़ानी ही पड़ती है। अटल टनल के काम में भी 2014 के बाद अभूतपूर्व तेजी लाई गई। बीआरओ के सामने आने वाली हर अड़चन को हल किया गया। पीएम मोदी ने साफ कर दिया है कि अटल टनल ले लद्दाख की लाइफलाइन बनेगी। ले लद्दाख के किसानों, बागवानों और युवाओं के लिए भी अब देश की राजधानी दिल्ली और दूसरे बाजारों तक पहुंच आसान हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज़, हरियाणा।